अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपके सामने पहला सवाल। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? ऑप्शन है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपके स्क्रीन पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों से पहले बनाया है और आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानों के बाप हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, हम किस नबी की उम्मत हैं? ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपके स्क्रीन पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों से बढ़कर हैं और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, हमारे नबी कितने साल की उम्र में ज़ाहरी पर्दा फरमाए? आपके पास ऑप्शन है 56 साल, बी 63 साल, सी 53 साल, डी 65 साल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपके स्क्रीन पर, 63 साल। 63 साल की उम्र में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, हमारे नबी किस उम्र में मक्का से मदीना शरीफ हिजरत फरमाए थे? आपके पास ऑप्शन है ए 40 साल, बी 55 साल, सी 53 साल, डी 35 साल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब आपके स्क्रीन पर, 53 साल। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमा गए थे और वहाँ 10 साल रहने के बाद आप ज़ाहरी पर्दा फरमा गए। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और आपको ये इस्लामिक एपिसोड कैसा लगा ये भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें।